देखते, ये बनारस का महात्मा है, ये बरसों पुरानी परंपरा है और इस पुरानी परंपरा को जीवंत आज भी यहाँ के लोगों ने रखा है। वही तो बता रहे हैं बनारस में सौ और शिव तो दोनों के एक बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर चिता की राख से होली खेला जाता है। की अद्भुत अद्वितीय होलियों में से एक है जो इस धरती पे सिर्फ काशी में ही खेली जाती है, क्योंकि काशी पूरी काशी ही महामशान के रूप में भगवान शंकर की नगरी के रूप में जानी जाती है, तो इस नगरी में ही ये अद्भुत होली होती है। और इस होली के पीछे मान्यता ये है कि रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर अपने धाम लेकर आते हैं। इस उत्सव में सभी देवी देवता और मनुष्य शामिल होते हैं, लेकिन इस उत्सव में जो शामिल नहीं हो पाते हैं वो बाबा के प्रियगण भूत प्रेत पिताज जो शक्तियाँ जो ऐसी हैं जिनको मनुष्यों के बीच में जाने से बाबा ने मना कर रखा है, उन शक्तियों उन अधिष्ठ अपने गणों के साथ बाबा विश्वनाथ जब दोपहर में मध्यान्ह स्नान करने मणिगंगा घाट आते हैं, उसके पश्चात उन अपने प्रिय गणों के साथ चिता पर की होली यहाँ खेलते हैं। काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है जो रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन मणिगंगा महाशमशान घाट पर खेली जाती है। कई दिनों से चिता पक्ष को डाल कर मार करके इकट्ठा किया जाता है, तत्पश्चात बाबा का दोपहर में मध्यान्ह स्नान होता है, मध्यान्ह स्नान के बाद बाबा को आरती और उनके भोग लगता है और होली प्रारंभ होती है। इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा कि ये काशी वो अद्भुत नगरी है जहाँ महामशान पे भी होली खेली जाती है, वो भी चिताबद्ध